हाय यूट्यूबर्स, आज हम रिव्यू करेंगे। ये हमारे पास दो तरह के मीटर्स हैं, एक है ये वाला एनालॉग और ये है डिजिटल। तो ये दो तरह के मीटर्स हैं, इनका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है आप इनके ऊपर हर तरह के सेल्स की वोल्टेजेस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस वाली जगह पर आप बटन सेल्स को यूज़ कर सकते हैं, ये वाले जो पेंसिल सेल्स हैं, क्लॉक सेल्स हैं वो, और यहाँ तक कि ये सेल भी आप चेक कर सकते हैं, लिथियम आयोन सेल्स की वोल्टेजेस भी। और ये इसका पॉइंट है 9 वोल्ट बैटरी के लिए, जैसे इसके ऊपर लिखा भी हुआ है 9 वोल्ट। तो ये 9 वोल्ट बैटरी के लिए यहाँ पे आप प्लस पॉइंट लगाएंगे, इसके साइडों में ये बार सी बनी है, इसके यहाँ पे आप माइनस लगा भी नहीं सकते, और आप बिल्कुल प्लस ही यहाँ पर लगेगा। माइनस वाला उसका बड़ा पॉइंट होता है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो बैटरी जो 9 वोल्ट की आती है उसको भी आप इसके साथ चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको 9 वोल्ट की एक बैटरी दिखाऊँ तो उसका भी हम रख लेते हैं इसमें कि उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो ये आ गई हमारे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी। इसके ये पॉइंट्स आप देखें, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसमें जाता ही ये बड़े वाला पॉइंट, छोटे बड़े वाला इसमें लग ही नहीं सकता है। तो ये इसका सिस्टम है। अच्छा, ये दो तरह के हैं, इनमें इसके ऊपर जो है आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, रिप्लेस करना है लो है या गुड है, मतलब सेल की कंडीशन कैसी है। और यहाँ पर भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, इसके ऊपर वोल्टेजेस नंबरिंग में लिखे हुए हैं। आप जैसे इसमें आप कोई वोल्टेज चेक करते हैं और आप देखते हैं सेल रिप्लेस करने वाला है या नहीं, ये तो आपको दिखा देगा कि सेल को रिप्लेस करें लो है या गुड कंडीशन में है, लेकिन इसके ऊपर आपको जितने भी वोल्टेज आएँ फिर आप उसको इस चार्ट के ऊपर चेक करेंगे। जैसे अगर हम इसके ऊपर चेक करें, अच्छा ये इसका मूव हो जाता है, दोनों का सेम ही है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये एनालॉग में है, नीडल में है, ये डिजिटल में है। इसके अंदर कोई बैटरी नहीं डलती, सबसे अच्छा बेनिफिट, इसके अंदर कोई पावर के लिए बैटरी नहीं डलती, ये इन्हीं बैटरी जिनको हम चेक करते हैं उसी से पावर लेगा। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, इसका रिव्यू करते हैं। अच्छा, ये हमने एक सेल लिया, अब इसके हम चेक करेंगे। अच्छा, ये ऊपर का पॉइंट माइनस है, ये रेड प्लस का है, तो हम सेल को इस तरह उल्टा लेंगे, प्लस नीचे को माइनस ऊपर को। अब हम इससे इसके वोल्टेजेस चेक करते हैं कितने हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी नीडल जा रही है गुड पे, इसका मतलब ये है कि ये सेल गुड कंडीशन में है, आप इसको किसी भी रिमोट में किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो ये गुड कंडीशन में है। सेकंड हम सेल को चेक करते हैं ये किस कंडीशन में है, तो इस टाइम ये सेल भी गुड कंडीशन में है, इसके भी वोल्टेजेस अच्छे हैं, ये सही है, ये यूज़ करने के काबिल है। उसके बाद हम ये सेल चेक कर लेते हैं, इसमें कितने वोल्टेजेस हैं, क्या कंडीशन है, तो ये रिप्लेस करने वाला है, इसमें वोल्टेजेस कम है, तो ये सेल हमारा रिप्लेस होने वाला है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि सेल्स की क्या कंडीशन है। फ़ौरन से कोई आपको मल्टीमीटर नहीं ओपन करना, वायर्स नहीं लेनी, कुछ भी नहीं करना, बस इसमें सेल रखें और आप चेक कर लें। अच्छा, बटन सेल का जैसे ये आपको पता है ये प्लस का होता है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है प्लस साइन, ये होता है इसका छोटा वाला माइनस का। तो हम बटन सेल को इस तरह से यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये कितना हमें दे रहा है। तो ये भी हमें बता रहा है लो के करीब, ये भी इसमें भी ये भी रिप्लेस होने वाला है, ये भी रिप्लेस की तरफ जा रहा है, तो ये भी हमें रिप्लेस करना चाहिए। ये फुल अच्छी कंडीशन में नहीं है, न्यू नहीं है, यूज्ड है। अच्छा, ये हो गए। इसके बाद हम देखते हैं 9 वोल्ट की बैटरी, ये देखें आप छोटा पॉइंट इसके अंदर बिल्कुल फिट हो रहा है इजीली। अब ये भी रिप्लेस करने वाली है हमारे पास। चलें अब इन्हीं सेल्स को हम चेक कर लेते हैं इस पे। सबसे पहले ये वाले सेल्स को चेक करते हैं जो यूज़ वाले सही मतलब कंडीशन में हैं। अब देखें आप इसके वोल्टेजेस आ रहे हैं 1.55, इट मींस कि ये बिल्कुल सही है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हम सेल ये वाला था, ये भी 1.54, ये भी ठीक है, बिल्कुल न्यू है। थर्ड ये लो था, इसको चेक करते हैं क्या इसमें भी ये लो बता रहा है, कोई उस मीटर में इशू तो नहीं है। अब इसमें भी देख लेते हैं, तो ये सेल वाकई में रिप्लेस करने वाला है, आप देख सकते हैं 0.94 और 0.93। तो इसके ऊपर यहाँ से हम चार्ट देखते हैं, वो वाले सेल हमारे 1.54 पे थे, तो 1.54 का मतलब है बैटरी साइज़ 1.5, यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1.5 to 1.28, ये बिल्कुल गुड है। और 1.27 से 1.15 तक लो पावर है, और बिलो 1.15 रिप्लेस वाला है, तो ये सेल हमारा रिप्लेस होने वाला है। उसके बाद हम इसकी चेक करते हैं, ये भी हमारे पास उसमें रिप्लेस आ रहा था, तो हम इसमें देखते हैं क्या वाकई ये रिप्लेस वाला है या नहीं। तो यहाँ पे जो है इसके 1.43 ये बता रहा है इसके अंदर वोल्टेजेस, क्योंकि उसमें आपने देखा था वो रेड के एंड पे था 1.43। ये वाला सेल तो हमारा बिल्कुल नीचे करके था, बिल्कुल रेड में आ रहा था, लेकिन ये हमारा सेल
हाँ लो के करीब है, रेड के स्टार्ट में है, इसलिए इसके वोल्टेजेस कुछ ठीक आ रहे हैं। अच्छा, इसमें अब हम 9 वोल्ट की बैटरी, इसमें बता रहा था रिप्लेस, अब हम इसमें देखते हैं तो ये वाकई में रिप्लेस होने वाली है। देखें आप, इसके वोल्टेजेस भी डाउन हो रहे हैं, 5.6 पर आकर रुके हैं, तो ये रिप्लेस होने के लिए है बैटरी। अच्छा, इस वाले मीटर में एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आप ये वाले सेल्स भी चेक कर सकते हैं। इसमें नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसमें एक और मॉडल भी आता है, उसमें भी नहीं चेक कर सकते, लेकिन ये जो है इसमें आप चेक कर सकते हैं। अब माइनस हम यहाँ ऊपर लगाएंगे, प्लस इसका नीचे लगाएंगे, इससे आप सेल के वोल्टेजेस चेक करें, 4.12, बिल्कुल सही, ठीक है। इसका चेक कर लेते हैं हम, क्योंकि ये सेल्स मैंने तकरीबन 4.14 और 4.15 तक चार्ज किए हुए हैं। ये 4.14 बता रहा है, इस सेल का अगर देखें तो ये भी हमें 3.9 बता रहा है, ये थोड़ा सा लो है, इसको चार्ज होने की नीड है। इस सेल का भी हम देख लेते हैं, ये कितना बता रहा है, ये बता रहा है 3.47, इसको भी चार्ज होने की नीड है। उसके बाद ये सेल हम देखते हैं 4.13, तो देखें कितनी आसानी से, कितने जल्दी जो है ना आपको इसके वोल्टेजेस पता चल गए। ये बिल्कुल हैंडी मीटर है, आपको दूसरा मीटर उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके थोड़ा सा इशू के उसको ऑन करें, रखें एक जगह पे, फिर चेक करें। इसके साथ आप हर तरह के सेल्स को जो है ना इजीली चेक कर सकते हैं, कहीं पर भी आपने रखा हो, जब भी आपने सेल्स चेक करने हो आप लें इसको उठाएँ, और इस तरह से पेंसिल सेल्स को भी या कोई से भी सेल, अक्सर हमारे पास रिमोट के सेल्स अक्सर नहीं काम कर रहे होते, तो आप इन सेल्स को इजीली चेक कर सकते हैं कि क्या इशू है, क्या रिमोट के सेल ख़त्म हो गए हैं, रिप्लेस होने वाले हैं। अगर रिप्लेस होने वाले हैं तो आप रिप्लेस कर दें, न्यू सेल ले लें और चेंज कर दें। तो ये था इन दोनों मीटर्स का रिव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आप ये परचेज़ करना चाहें तो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपसे लिंक इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।